भदोही से ब्यूरो चीफ निहाल अली की खास रिपोर्ट। एसपीडीएम ने कारगिल विजय दिवस पर अमर सपूतों को किया नमन। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, अपर जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार मिश्र ने ऑपरेशन विजय के अमर सपूतों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार द्वारा सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान पर समर्पित पुस्तकें भेंट करते हुए सैनिकों के अप्रतिम योगदानों को रेखांकित किया। कारगिल विजय दिवस पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि 23 साल पहले 1999 का कारगिल युद्ध दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जगहों में लड़े गए युद्ध में से एक है। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के पराक्रम, शौर्य एवं सर्वोच्च बलिदान की उत्कृष्ट मिसाल है। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के रूप में टाइगर हिल एवं अन्य चौकियों पर वापस कब्जा प्राप्त किया। विजय दिवस भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर उन्होंने भदोही जनपद के शहीद परिवारजनों को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन उनके साथ सदैव खड़ी है। उन्होंने सैनिकों के बलिदान व शौर्य गाथा के प्रतिफल स्वरूप सभी जनपद वासियों से 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने ऑपरेशन विजय में अपने प्राणों की आहुति देने वाले साहसी सपूतों को सलाम करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, कारगिल विजय दिवस हमारे सैनिकों की अप्रतिम वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। अमर शहीदों एवं उनके परिवारजनों के प्रति यह देश सदैव ऋणी रहेगा। अपर जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार मिश्र ने शहीदों के बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम करते हुए कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए कारगिल पहाड़ियों की कठिन परिस्थितियों में सैनिकों ने बहादुरी से लड़ते हुए वीरता और अदम्य समर्पण सेवा का परिचय दिया, जो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी को सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान एवं तिरंगे पर आधारित पुस्तकें भेंट करते हुए बताया कि विश्व के इतिहास में दुर्गम स्थलों में लड़े गए युद्धों में से एक कारगिल युद्ध भारतीय सैनिकों के अद्वितीय साहस, उत्कृष्ट रण कौशल एवं समर्पण सेवा का प्रतीक है। कारगिल स्थित द्रास सेक्टर में तोलोलिन पहाड़ी से लेकर टाइगर हिल पर वापस कब्जे के रूप में ऑपरेशन विजय भारत की शौर्य गाथा का स्वर्णिम हस्ताक्षर है। शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर तिरंगे को गर्वित भाव से लहराया। यह तिरंगा भारत की गौरवशाली परंपरा व शांति, शौर्य एवं प्रगति का प्रतीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने हेतु सभी जनपद वासी 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों में तिरंगा फहराकर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को नमन करें। जी सर, शहीद कारगिल दिवस है, आपकी तरफ से क्या संदेश होना चाहिए? आज कारगिल शहीद दिवस है। इस शहीद दिवस के अवसर पे जो हमारे सैन्य कर्मी देश की सुरक्षा में सुरक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उन सबको हम लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनकी जो वीर गाथाएं हैं वो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहें। जय। शहीद परिवार के लिए कोई संदेश सर? देखिए, शहीद परिवार जो है उनका दुख हम लोगों को समझना चाहिए और उनकी हर संभव सहायता हमें करनी चाहिए और उन्हें फख्र है कि उनके परिजन जो हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी है और हमारा भी फर्ज बनता है कि उन शहीदों के परिजनों का हम ख्याल रखें और अगर कोई समस्या उनको आती है तो हम उसका हल करें। जय हिंद। जी मैडम, शहीद कारगिल दिवस पे आज आपने पुस्तक भेंट की गई है, क्या कहना चाहते हैं? आज शहीद दिवस है, कारगिल विजय दिवस। आज के दिन हम लोगों ने देश ने कारगिल की लड़ाई को जीत हासिल की थी और ये हमारे देश के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन के रूप में हम मनाते हैं इसको। मैं इस दिन के अवसर पर जनपद वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और सभी को शहीदों को नमन करना चाहूँगी और सभी शूरवीरों को जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए प्राण की आहुति दी है उनको मैं सलाम करना चाहूँगी और सभी देशवासियों को संदेश देना चाहती हूँ कि हम सब पुनः संकल्पित होकर देश की रक्षा और समृद्धि के लिए बढ़कर काम करें। शहीद दिवस शहीद परिवारों के लिए कोई संदेश मैडम आपकी तरफ से? शहीद परिवारों को मैं दिल से उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उनके परिवार में ऐसे विभूति ने जन्म लिया जिन्होंने देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण की आहुति दी, तो उनको मैं
सम्मान के साथ पुनः उनका अभिनंदन और नमस्कार करना चाहूँगी और उनको आश्वस्त करना चाहूँगी कि उनके परिवार की जो भी स्थानीय स्तर पर कोई समस्या हो तो उसका निराकरण करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। जय हिंद।